मसीह खुदा ने आपकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़े हक के साथ आपका होस्ट अरुण यूसुफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन से हैं हम। जड़ामाल में जो लोगों के साथ वादा करके गए थे कि 150 जो हम लोगों ने खवातीन के लिए जो बॉक्सेस बनाए गए हैं उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और आज हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। उन खवातीन को 150 जो बॉक्सेस बनाए गए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मेरी लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है कि ना ख़ास तौर पे कि इन लोगों को इस्तेमाल की चीज़ें प्लीज़ ना दे। जितना आपसे हो सके, जितनी भी चीज़ हो सके सिर्फ वो दीजिएगा, लेकिन इस्तेमाल में इनको कोई भी चीज़ें ना दीजिएगा। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हम जड़ावाला जा रहे हैं और यहाँ पे ख़वातीन के लिए जो रिलीफ पैकेज है वो लेकर हम यहाँ आए थे, और CTS ने अपना वादा पूरा किया और जो कुछ उन्होंने कहा था कि 150 ख़वातीन को वो रिलीफ पैकेज जो है वो देंगे। और आप देख सकते हैं पीछे के ख़वातीन को यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और लोगों ने CTS का शुक्रिया भी अदा किया है कि CTS ने जो उनसे वादा किया था उसको पूरा किया है। तो यहाँ पे जड़ावाला में और भी बहुत सारी NGOs आ रही हैं, बहुत सारे चर्चिज़ के जो पासवान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन CTS का जो काम है वो थोड़ा मुनफरिद है। और CTS जो है वो हमेशा कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करती है जो दूसरों से अलग थलग हो, और यहाँ पे उन्होंने जो ख़वातीन के लिए पैकेज बनाया था आज वो उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वो और भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कह रही हैं कि हमें भी, क्योंकि यहाँ पे उनके भी घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन CTS उनके साथ वादा करके जा रही है कि वो दोबारा आएंगे और उन ख़वातीन को भी वो रिलीफ पैकेज देंगे जिनको नाम उनके पास नहीं थे या जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखवाए थे। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप नेशनल न्यूज़नामा को देखते रहें और नेशनल न्यूज़नामा की स्क्रीन पर अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो कमेंट्स हैं उसको शेयर करते रहें, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तौर पर जो अपनी परफॉर्मेंस है उसको आपके सामने जो है वो ला सकें। तो इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक पैरोख दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।